फैक्ट्री का इफ्लुएंट सबसे पहले बायोस्क्रीन चैम्बर से गुजरता है, जहां पर सूखे कचरे को अलग कर दिया जाता है। ऑयल ग्रीस की डेंसिटी पानी से कम होने के कारण यह पानी के ऊपर तैरता है, जिससे इसे ट्रैप करना आसान हो जाता है। फिर इफ्लुएंट एंटर करता है इक्वलाइजेशन टैंक्स में, जहां पर एल्युमिनियम सल्फेट और पॉली इलेक्ट्रोलाइट की डोजिंग से इफ्लुएंट में से स्लज को सेटल किया जाता है और स्लज को पंप्स की मदद से एचडीबी यानी स्लज ड्राइंग बेड्स में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। अगले पड़ाव में इफ्लुएंट पहुंचता है एनारोबिक डाइजेस्टर या एनारोबिक टैंक में, जहां पर इफ्लुएंट का एनारोबिकली डाइजेशन होता है। इस प्रक्रिया में ऑर्गेनिक मैटर के लार्जर मॉलिक्यूलर मास जैसे प्रोटीन, अमीनो एसिड जैसे स्मॉलर मॉलिक्यूलर मास में टूटते हैं और इस प्रोसेस में हाइड्रोजन और एसीटेट का भी फॉर्मेशन होता है। एनारोबिक डाइजेशन की अगली प्रोसेस है एसिडोजेनेसिस, जिसमें एसिडोजेनिक बैक्टीरिया ऑर्गेनिक मैटर को और स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में तोड़ते हैं, जिससे कि डाइजेशन टैंक का एनवायरनमेंट एसिडिक हो जाता है और अमोनिया, वोलेटाइल फैटी एसिड, कार्बोनिक एसिड का निर्माण होता है। एसिटोजेनिक बैक्टीरिया कार्बन मॉलिक्यूल्स और एनर्जी सोर्सेस की मदद से एसीटेट और एसिटिक एसिड का निर्माण करते हैं। एसिडोजेंस ऑर्गेनिक मैटर को इतने सिंपलर मॉलिक्यूल में तोड़ देते हैं कि मीथेनोजेंस बचे हुए फूड को मीथेन प्रोड्यूस करने में इस्तेमाल कर सके। मीथेनोजेनेसिस एनारोबिक डाइजेशन की फाइनल प्रोसेस, जिसमें मीथेनोजेंस एसिटोजेनेसिस, हाइड्रोलाइसिस और एसिडोजेनेसिस के इंटरमीडिएट उत्पादों से मीथेन गैस का निर्माण करते हैं। एनारोबिक डाइजेस्टर प्राइमरी क्लेरिफायर, क्लेरिफायर में क्लेर इफ्लुएंट जिसे सुपरनेंट कहा जाता है आगे बढ़ता है और स्लज पीरियोडिकली रिटर्न स्लज पंप से वापस टैंक में पंप किया जाता है। अब अगली प्रक्रिया में इफ्लुएंट पहुंचता है एरोबिक डाइजेस्टर में, जहां पर ऑक्सीजन की उपस्थिति में इफ्लुएंट का ट्रीटमेंट किया जाता है। एरोबिक डाइजेशन एक बैक्टीरियल प्रोसेस है जो कि केवल ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही होती है, इसलिए एयर डिफ्यूज़र का इस्तेमाल करके टैंक में एयर प्रोवाइड की जाती है। अब बैक्टीरिया तीव्रता से ऑर्गेनिक मैटर को सिंपल मॉलिक्यूलर मास कंपाउंड्स में कन्वर्ट करने लगते हैं। इस प्रक्रिया के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड जैसी गैसें भी कम मात्रा में उत्पन्न होती हैं। आगे इफ्लुएंट पहुंचता है सेकेंडरी क्लेरिफायर में और यहाँ पर भी प्राइमरी क्लेरिफायर जैसी प्रक्रिया दोहराई जाती है, लेकिन स्लज को कंटिन्यूसली टैंक में पंप करना पड़ता है और यहाँ पर पीरियोडिकली वेस्ट एक्टिवेटेड स्लज को एचडीबी में ड्रेन करना पड़ता है। फाइनली ट्रीटेड इफ्लुएंट सेकेंडरी क्लेरिफायर से अब विनोज में पहुँचता है। अब इफ्लुएंट फाइनल स्टोरेज टैंक से बाई ग्रेविटी फैक्ट्री से बाहर भेज दिया जाता है।